ये आपका स्टॉल है? या इंस्टाग्रामर है। बढ़िया, मैं सोचा सेल्समैन है। अच्छा, ऐसे स्टॉल डालने के लिए कितना खर्चा लगता है? आपको क्या सेल्स में रखा है? आपका नाम क्या बोला? इमरान। दुबई में आके आप जॉब नहीं करना चाहते तो ये बेच के भी आप कमा सकते हो पैसा। यहाँ से लेके यहाँ तक बाय का इंस्टॉल है, छोटा सा बाय का शॉप है। और बाय ने जो अहम बात जो बताया है कि यहाँ में लाइसेंस का जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, टशी दिले, सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत करता हूँ जीएस प्रोमो चैनल के एक और वीडियो में। तो ये आपका रिक्वेस्ट था मेरे भाई, थैंक यू आपने रिक्वेस्ट करने के लिए कि अलावीर में जाके ब्लॉग बनाओ, सब्जी मंडी दिखाओ। ठीक है, आपसे मेरा यही विनती है, आप जो मेरा वीडियो देखता है तो आप अपना सजेशन दो, क्या देखना चाहते हैं, है कि नहीं, दुबई का इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए या कुछ अलग ब्लॉग चाहिए। मैं ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फुलफिल करने के लिए। तो आपके रिक्वेस्ट में एक और वीडियो बना लिया था जो कि दुबई में बेड स्पेस क्या होता है और पार्टीशन क्या होता है, उसका प्राइस क्या होता है, सब बता दिया मैंने, राइट। आज लेकर जाऊँगा आपको अलावीर। तो किस में? इसमें देखो, फाइनली हम लोग बस में आ गए हैं। ठीक है, और ये बस का नंबर है 61 जो कि हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं बड़ दुबई से, क्योंकि आपको पता है मैं बड़ दुबई में रहता हूँ। यदि आप शारजहाँ में रहते हो, अबू धाबी में, कहीं भी रहते हो, तो आप बस लोकेशन चेक कर लो एक बार कौन सी बस जाता है कि नहीं, नेविगेशन में सारा पता हो जाता है। और सब्जी मंडी में सब्जी सस्ता मिलने के अलावा वहाँ पर जॉब के लिए बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे कि हेल्पर में जाना है तो स्पेशली, और बाकी क्या ऑप्शन है, बाकी क्या चॉइसेस वहाँ मिलता है आपको, वहीं जाकर एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो, आपका तमन्ना था यानी ख्वाहिश था कि दुबई का वेजिटेबल मार्केट देखने का, राइट। चलिए आपको लेकर आ गए हैं, दिखाते हैं कहां कहां से इंपोर्ट हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं यहां में, सब्जी फ्रूट के अलावा, और उससे बड़ी स्कोप क्या है बोले से, जॉब्स का भी है। यदि आप थोड़ा मालदार वाला है, पैसे वाला है, तो आप यहाँ बिजनेस भी कर सकते हैं। क्या बिजनेस? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लाओ, दुबई में बेचो, राइट। सो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो आपके वहाँ जो प्लेंटी है, बहुत सारा है, यहाँ पे शॉर्टेज हो तो आप लेके बेच सकते हैं। वही चीज़ आप देख लो, कम ऑन, मैं दिखाता हूँ आपको। हाय, कैसे हो बॉस? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप लोग? कहाँ से हो? बांग्लादेश। अच्छा, ये सारा सब्जी बांग्लादेश से आया हुआ है? पूरा बांग्लादेश का है। ओके, यहाँ से शुरू किया है और बाकी थोड़ा आगे देखते हैं, उसके बाद हमको कुछ परचेज करना है, कुछ खरीदना है, फिर खरीद के चलते हैं यहाँ से। वाटर मिलन, कहाँ का वाटर मिलन है बोलिए? कहाँ का वाटर मिलन है? ईरान का। ईरान का? ईरान का है, ईरान का है। तो ये रहा ईरान से इम्पोर्ट हुआ हुआ वाटर मिलन। केजी में कैसे दे रहा है? केजी 2 रुपया देना, 251 केजी। 251, तो आप खुद सोचिए वहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, क्या आप वहाँ से लेके यहाँ पे सेल कर सकते हो होलसेल? सकता है तो आ जाओ। अच्छा, ये कद्दू कहाँ का है? कद्दू ईरान का है, ईरान का है। अच्छा, ईरान का है। यहाँ सब्जी ज्यादा ईरान से? सब्जी पूरा ईरान का है। आपका नाम क्या है मेरे भाई? जाऊर रहमान। हाँ जी, जाऊर रहमान। जाऊर रहमान। रहमान कहाँ से हो? बांग्लादेश से। मैं तो सर ईरान से है। ये काम कर रहे हो यहाँ? क्या काम करते हो यहाँ? अच्छा, शॉप। आप बुरा नहीं पाओगे तो कुछ बताएगा मेरा व्यूवर्स को, यहाँ पे आप कैसे आया और काम कैसा चल रहा है, सैलरी कितना बोल सकते हो? हमारा अपना धंधा है ना। अच्छा, अपना है, माशाल्लाह, आप बिजनेस कर रहे हैं? वाह, दैट्स गुड। तो हमको भी बताओ ये कैसे करना है, अगर हम भी करना चाहें तो ऐसे बिजनेस? इधर से दुकान पकड़ना बनता है। ओके, सामान लेके आना बनता है। कहाँ से? उधर बहुत है कंटेनर। ओके, जरूरत नहीं है सच में। ये भाई, आपका नाम क्या बोला? जौर खान। जौर खान भाई ने बहुत बढ़िया एक इन्फॉर्मेशन दिया। ये भाई का इतना से इतना आपका इंस्टॉल है ना, ये देख सकते हैं मेरे भाई, भाई का इंस्टॉल है। और इसमें भाई ने आपको बताओ क्या क्या रखा है आपका इंस्टॉल में भाई? ऑरेंज है, देखिए बोलो, ऑरेंज है और एप्पल है, बनाना है, पाइनएप्पल्स है, बहुत कुछ रखा है। ये जो है छोटा सा बाय का शॉप है और बाय ने जो अहम बात जो बताया है कि यहाँ में लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है,
आप छोटा सा एक स्टॉल खोल सकते हैं। और सब्जी कहाँ से लेके बेचने हैं? वैसे होलसेल में लेता है, वहाँ से जा कंटेनर, जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी आता है। मान लो ये कहाँ का है भाई? ये ईरान का है। ईरान का है, वो भी ईरान का है। ओके, इधर का लोकल। ओके, तो ये कौन जो है, ये कौन है? लोकल है, इमारात का है, यूएई से है, और बाकी जो है ईरान से लाया वाला, मतलब कंटेनर से आता है तो भाई वहाँ से परचेस करते हैं होलसेल में और यहाँ रिटेल में बेच रहे हैं ना। तो कितना कैसे कमाई होता? अच्छा होता भाई, क्या बात, अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, मेरा व्यूवर्स अच्छा लगे, थैंक यू। हाँ, सो भाई ने बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया, ये चीज़ आप भी चाहें तो आके कर सकते हैं। Hi Ben, how are you? I'm good. मैं हिंदी बोलता हूँ। हिंदी बोलता है? हाँ, आप कहाँ से? बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश से। आप भी क्या अपना स्टोन लेके बैठा है? नहीं, काम कर रहा है। अच्छा, आपको क्या सेल्स में रखा है? आपका नाम क्या बोला? इमरान। इमरान, थैंक यू। वैसे कितना देता है सैलरी? अच्छा देते हैं? अच्छा, अच्छा नहीं, क्या कर सकते हैं, बस वही खाना पीना बैठना देते हैं। हाँ, वो देते हैं। और 1000-1200 तक सैलरी? हाँ, क्या करें, वो फिलहाल ऐसे है, मार्केट कम है। चलो, थैंक यू। सलाम वालेकुम, कैसे हो बॉस? ठीक है। कहाँ का ये सामान आपका? मिस्र का है, ईरान का है। ईरान का है, और ये मिस्र का है। अच्छा, ये स्टॉल आपका है या आप सेल्समैन के काम कर रहे हो? हाँ जी, सेल्समैन का है। अच्छा, सेल्समैन का है, चलो ठीक है, बाकी सब ठीक है, थैंक्स। गुड गुड, सलाम वालेकुम। सलाम, ऐसा है, ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कहाँ से हो आप? सारा हम बांग्लादेश के। अच्छा, अच्छा लगा आपको मिलके। आपका गुड नेम? मोहम्मद बाबुल अहमद। मोहम्मद बाबुल, गुड, अच्छा लगा मिलके। ये आपका स्टॉल है? यह स्टॉल हमारा है। बढ़िया, मैं सोचा सेल्समैन है। अच्छा, ऐसे स्टॉल डालने के लिए कितना खर्चा लगता है? ये होता है, महीना महीना हिसाब होता है, साल का हिसाब होता है, सालों का। अच्छा, आपको ऊपर आपका मर्जी रहता है, वो साल में देना है या महीना में देना है? कंपनी का है। इसमें लाइसेंस जरूरत पड़ता है? लाइसेंस वो एक ही लाइसेंस का है, पूरा एक ही मंडी है, एक ही लाइसेंस का है। अच्छा, मंडी एक ही लाइसेंस है, पूरा एक ही लाइसेंस। आपको सिर्फ महीना में इसको पैसे देना है? हमारा अरबाब का है ना, इसलिए अरबाब को देना मांगता है। पूरा अरबाब को देना मांगता है। ये लेते कहाँ से लाते आप लोग? ये ईरान से भी आता है, इंडिया से आता है, जॉर्डन से आता है, लेबनान से। आप डायरेक्ट वहाँ से लाते हो? जॉर्डन से। हमारा अरबाब का लाइसेंस ही आता है, कंटेनर में लाइसेंस है, लाइसेंस में आता है। थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन के लिए, थैंक यू। सलाम वालेकुम। सलाम, कैफा हालिक? अल्हम्दुलिल्लाह, देन इंता देन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। कितना करता है एक का जी? 15 दिरहम। इसमें कितना के जी है? इसमें 6 किलो। 15 दिरहम का कितने के? ये आलू है 6 केजी का 15 दिरहम। तो आप खुद इससे इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना में मिल रहा है। यदि आप अपने मुल्क से लेके यहाँ बेचना चाहते हो तो कितना में बेच सकते हो? सो गाइस, अब मैं खुद थोड़ा बहुत मार्केटिंग करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं, क्योंकि इतना दूर आया है तो खाली कैसे जाएंगे, राइट? और मैंने कोशिश किया इस मार्केट में आके आपको ये बताएं कि क्या क्या मिलता है, और आप यहाँ पे इस तरह से छोटा सा इंस्टॉल खोलने से किस तरह से खोल सकते हैं, है ना? जैसे वो भाई लोग बता रहे थे कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं चाहिए आपको, लाइसेंस कॉमन रहता है यहाँ का, जो मंडी का लाइसेंस कॉमन है। हालांकि आप इसमें जो इंस्टॉल खोलता है वो मंथली पे कर सकते हैं और रेंट, या फिर ईयरली पे कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। और यदि आप पढ़ा लिखा नहीं है और आपको दुबई में काम करना है तो वो छोटा मोटा कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ हमाली कहते हैं वो भी काम कर सकते हैं, पैसा है तो आप यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? सो अभी मैं थोड़ा बहुत परचेसिंग करते हैं, उसके बाद निकलता है। संतरा लिया है 10 दिरहम का, इतना कितना
आठ पीस है। हाँ छोटा ले लेगा। आठ पीस का 15 यार। थैंक यू। चलो फिलहाल संतरा लिया और बाकी लेते हो बनाएगा बन ऐसा दिए नहीं नहीं मांगते बोला बस दस करेंगे। अभी तीनों ने शॉपिंग कर लिया, तीनों के हाथ में एक एक है। चलो अभी चलते हैं दुबई में आके। आप जॉब नहीं करना चाहते तो ये बेच के भी आप कमा सकते हो पैसे। आई मीन ये बेचने की जरूरत नहीं, ये काम भी कर सकते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, यहाँ में जो होलसेल वाला होता है आपका इंडिया नेपाल से लेके आता है, जो भी बाहर जैसे जो इम्पोर्ट करते हैं उन लोग होलसेल में बेचते हैं। आप ऐसा लेके यहाँ में बैठ के काट काट के लोगों को बेच सकते हैं और इसके लिए आज़ाद वीज़ा लेके काम कर सकते हैं। यहाँ ये क्या होता है, आपको मंडी वाला वीज़ा देता है बोलता है और लगभग 5,000 उस वीज़ा का कॉस्ट पड़ता है बोल रहा है। और ये जो इंस्टॉल खोलने का खर्चा लगभग कितना बता रहे हैं, 1800 राइट, कुछ 1800 खर्चा पड़ता है बोल रहा है। यदि आप जॉब करना नहीं चाहते देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस। बस ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना था। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।